देखिए ममता दीदी को फिर हम क्या कहें। मैं यहाँ पिछले 10 दिन से वही कह रहा हूँ कि दीदी आपने तो हमको नंदीग्राम भेजा था, तब आपकी तबीयत खराब थी, आप कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में थे, मैं सुषमा दीदी के साथ आई थी यहाँ, उस समय में आपने हमको नंदीग्राम जाओ और वहाँ शुभेंदु है, मेरा छोटा भाई शुभेंदु, वो जमीन के अधिकार को लेकर लड़ाई कर रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, आप जाओ शुभेंदु मिलेगा वो, हम तो शुभेंदु के साथ यहाँ घूमे थे। शुभेंदु की मेहनत पे जो आंदोलन हुई यहाँ की किसानों की, उस समय की वामवादी सरकारों ने जो जमीन हड़प रहे थे, उस आंदोलन के ऊपर आप सवार होकर राज्य की दो दो बार मुख्यमंत्री बनी। राजनीति में आपकी जब परिवारवाद बढ़ा, उससे नाराज हो कि आप ही के लोग आपको छोड़ के चले आए, आपके साथ रहे तो सही है, प्रजातंत्र में उनको अगर आप अनदेखा करोगे वो बाहर आ गए तो वो गद्दार है, ये तो माने अकृतघ्नता की चरम उदाहरण है, अनग्रेटफुलनेस की चरम उदाहरण है, यहाँ की जनता को घोर अपमान है। इससे ये मेरा मूल बात है, ममता जी घबरा गई है।